हाय दोस्त, कैसे हैं आप? लगता है सब कुछ सही है। बहुत अच्छा अच्छा जो कमेंट किया है आप, तो उसी कमेंट का आज रिप्लाई देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, देखिए मैं एक छोटा मोटा एक मैकेनिक हूँ, आपसे भी छोटा हूँ। तो आप कमेंट किया है तो चलिए उसका रिप्लाई देता हूँ। तो सबसे पहले जो कमेंट किया है उनका नाम है शैलेंद्र चौहान। तो आप कमेंट किया है, सर चाइना मॉडल का जो इंजन है वो इंजन स्पीड कम या ज़्यादा हो रहा है। मतलब आपका जो कमेंट है वो आपका जो चाइना मॉडल है इंजन, तो वो इंजन अप डाउन कर रहा है, मतलब यही है। तो देखिए अप डाउन क्यों करता है ये पहले देखना चाहिए। तो अप डाउन इसलिए होता है, देखिए उसका दो कारण होता है। एक तो नोजल के लिए ये अप डाउन होता है, और दूसरी बात गवर्नर साइड से अप डाउन होता है। तो नोजल साइड से क्यों होता है, देखिए नोजल का जो एडजस्टिंग स्क्रू है वो स्क्रू जब हम लोग सही तरह एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तभी ये इंजन अप डाउन होता है। तो पहले आप वो जो नोजल का जो स्क्रू है वो स्क्रू आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, मुझे लगता है ये सही हो जाएगा। और दूसरी बात है, इंजन का जो अप डाउन होता है वो गवर्नर साइड से आता है। तो गवर्नर साइड से कैसे आते हैं, देखिए इंजन जब स्पीड होता है, गवर्नर का काम होता है प्लंजर का जो रैक है वो रैक एक साइड से और दूसरी साइड से घुमाते हैं, तभी वो तेल कम देता है। तो कम देने से वो इंजन का स्पीड वो कम हो जाता है। तो लगता है आपका गवर्नर साइड का काम करना पड़ेगा, इसलिए आपका ये इंजन अप डाउन हो रहा है। तो मेरा ये गवर्नर लेकर एक वीडियो मैं दिया था बहुत पहले, तो आप नहीं देखा है तो ऊपर में मैं लिंक दे रहा हूँ। तो ये लिंक में टास्क करिए और वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा। तो ये वीडियो आप देख लीजिए तो आपका ये काम करने के लिए बहुत आसानी हो जाएगा। तो थैंक यू, आप जो कमेंट किया है बहुत अच्छा कमेंट किया है। तो वीडियो देखते रहिए। तो थैंक यू। तो इसके बाद नेपाल से एक कमेंट आया है, तो नाम है रोशन सिंह। तो थैंक यू बॉस, कैसे हैं आप? आप नेपाल से देख रहे हैं, मैं जान के बहुत खुशी हुई हूँ। तो मेरा वीडियो देखते रहिए और कमेंट कीजिए, थैंक यू बॉस। तो इसके बाद कमेंट किया है पाटिल ग्रीश, थैंक यू सर, कैसे हैं आप? लगता है सही है। तो आप कहाँ से कमेंट किया है ये मुझे नहीं पता, क्योंकि आप कमेंट में कुछ नहीं लिखा है। तो आप कमेंट में लिखेंगे तो बहुत आसानी होगा मुझे जानने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है आप, मैं जान पाता हूँ जो आप वहाँ से देख रही है। तो आप कमेंट जब करते हैं जगह का नाम ज़रूर लिख दीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। आप कमेंट किया है नोजल में कंप्रेसर क्यों बैक आता है, थैंक यू, बहुत अच्छा कमेंट किया है। तो देखिए नोजल में जब कंप्रेसर घुसता है इसका दो कारण होता है। तो पहले देखिए नोजल का ऊपर जो स्क्रू रहता है एडजस्टिंग स्क्रू, वो स्क्रू जब प्रेशर कम होता है, नोजल में थोड़ा प्रेशर कम होता है, तो क्या होता है सिलेंडर की अंदर जो कंप्रेसर होता है वो कंप्रेसर का प्रेशर ज़्यादा होता है। इसलिए जब नोजल की प्रेशर कम हो जाएगा तो वो सिलेंडर की अंदर जो कंप्रेसर होता है वो नोजल की अंदर घुस जाएगा। तो क्या करना होगा, देखिए नोजल की ऊपर जो एडजस्टिंग स्क्रू रहता है वो स्क्रू हल्का सा आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ये कंप्रेसर नहीं घुसेगा, एक नंबर। और दो नंबर क्या है, देखिए आप जो टैपिड क्लियरेंस एडजस्टिंग करते हैं तो वो सही तरह नहीं होगा, तो ये नोजल में कंप्रेसर घुस जाते हैं। और तीसरी बात है, ये
जो प्लांजर होता है, प्लांजर का मुंह में डिलीवरी वाल्व होता है, वो डिलीवरी वाल्व थोड़ा कमजोरी हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो क्या होगा, तेल का प्रेशर वो सही तरह नहीं रख पाएगा। इसलिए नोजल के ऊपर जब प्रेशर देता है प्लांजर, क्या होता है डीवी से आपस वो कंप्रेसर चले आते हैं, इसलिए नोजल के अंदर घुस जाते हैं वो कंप्रेसर। तो ये कमेंट करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो कमेंट करते रहिए और वीडियो देखते रहिए, थैंक यू। तो इसके बाद कमेंट किया है हम्मानी, तो बस आप कहाँ से कमेंट कर रहे हैं ये थोड़ा मुझे जानकारी मिले तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं जान पाऊंगा ये आप यहाँ से मेरा वीडियो देख रही है। देखिए पहले एक दोस्त ने श्रीलंका से कमेंट किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखिए नाम देकर मैं तो नहीं पहचानते हैं, लेकिन जगह का नाम बोलेंगे तो बहुत अच्छा तरह पहचानेंगे हम। तो देखिए जगह का नाम जरूर लिख दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। तो आप कमेंट किया है आपका एक VST इंजन है, उसका वाइब्रेशन प्रॉब्लम हो रहा है। तो सबसे पहले देखना होगा VST जो इंजन होता है, ये हाई स्पीड इंजन होता है, उसका RPM होता है 2200, मतलब एक मिनट में 2200 बार वो फ्लाई व्हील घूमेगा। तो कितना तेज घूमता है देखिए, तो ये आपको पहले देखना होगा जो फ्लाई व्हील है वो फ्लाई व्हील इधर उधर साइड प्ले हो रहा है कि नहीं। जब चलता है स्लो पिकअप में आप चलाओगे तभी ये आपको मालूम होगा, जब चलते रहेगा उसके उसी टाइम में वो फ्लाई व्हील हल्का इधर उधर हिलेगा तभी ये बहुत वाइब्रेशन होगा। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा फ्लाई व्हील सही तरह स्मूथली ये चल रहा है कि नहीं, एक नंबर। और दो नंबर देखिए, इंजन बॉडी के अंदर जो बैलेंसर रहता है वो बैलेंसर में पेनियम लगा रहता है, वो पेनियम में टाइमिंग सही है कि नहीं ये देखना होगा। तो टाइमिंग जब सही होगा तो दूसरी तरीका है वो भी देख लेना चाहिए, क्योंकि बैलेंसर के अंदर पेनियम जब सेटिंग होता है वो पेनियम में चाबी में फिट होता है, चाबी हल्का कट जाएगा और हल्का घूम जाएगा बैलेंसर, तो ये प्रॉब्लम जरूर आएगा। और दूसरी बात है, तो बैलेंसर ओरिजिनल है तो सही है, लेकिन मान लीजिए आप चेंज कर लिया, तो चेंज करने से ये प्रॉब्लम आता है। देखिए दूसरी बार जब मैं नया बैलेंसर मैं फिटिंग करता हूँ तो क्या होता है, पुराने जो बैलेंसर है और नया बैलेंसर में दोनों अंतर रहता है। तो क्यों क्या होता है देखिए, थोड़ा हल्का इधर उधर वो वजन का डिफरेंस आ जाएगा, तो ये वजन का डिफरेंस जब आएगा तो ये वाइब्रेशन 100% की आ जाएगा। तो आप पहले फ्लाई व्हील को देख लीजिए, दूसरी बात वो टाइमिंग सही है कि नहीं ये भी देखना होगा, और तीसरी बात है जो बैलेंसर है वो बैलेंसर आप चेंज किया है कि नहीं ये फॉलो करना होगा, दोनों बैलेंसर ओरिजिनल है कि नहीं, उसका वजन सही तरह है कि नहीं ये देखना होगा। तो थैंक यू, आप जो कमेंट किया है बहुत अच्छा लगे है। इसके बाद कमेंट किया है DN स्पोर्ट्स, थैंक यू बॉस, कैसे हैं आप, लगता है सही है सब। आप जो कमेंट किया है आपका एक VST इंजन, उसका जो फ्लाई व्हील है वो फ्लाई व्हील 4 या 5 mm अंदर बाहर हो रहा है, तो ये एक बढ़िया एक कमेंट है, बहुत अच्छा लगी है। देखिए आपका इंजन का जो फ्लाई व्हील है वो फ्लाई व्हील अंदर बाहर हो रहा है 4 या 5 mm। तो देखिए ये पहले क्या करना होगा, आप वो जो फ्लाई व्हील है वो पकड़ के आप खींचोगे या दबाओगे तभी ये प्ले होगा। तो सबसे पहले आपको देखना होगा ये कंप्लीट क्रैंक सेट अंदर बाहर हो रहा है कि नहीं, जब कंप्लीट सेट होगा तो इसका भी सल्यूशन है, क्या करना होगा देखिए, फ्लाई व्हील खोलना होगा, उसके बाद क्रैंक में जो बियरिंग लगा रहता है उसी नाप में आपका जो सिम वर्सल मिलता है वो सिम वर्सल एक या दो, वो जो बियरिंग का जो हाउजिंग है हाउजिंग के अंदर
आप दे दोगे तो ये प्ले बंद हो जाएगा, एक नंबर। और दो नंबर है, आप अब आपको देखना होगा ये कंप्लीट सेट अप डाउन कर रहा है कि नहीं। अप डाउन नहीं करेगा तो इंजन जब चलता है तब वो फ्लाई व्हील थोड़ा हल्का इधर उधर हो रहा है कि नहीं। जब फ्लाई व्हील इधर उधर होगा तो यहाँ 100% वाइब्रेशन आएगा। और दूसरी बात है, ये सही करने के लिए आपका जो क्रैंकशाफ्ट में जो चाबी रहता है वो चाबी को हल्का घिसना होगा, थोड़ा हाई ज़्यादा हो जाता है इसलिए सही पोजीशन में फ्लाई व्हील नहीं आते हैं, इसलिए हल्का टेढ़ा हो जाता है और हिलता है। तो क्या करना होगा, वो चाबी को हल्का घिस लोगे तो ये फ्लाई व्हील बाद में फिटिंग करोगे तो एकदम सही पोजीशन में चले आएगा और स्मूथली चलते रहेगा, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप देख लीजिए तो कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे हिसाब से मैं जो बोला था ये आप फॉलो कीजिए तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू। तो इसके बाद कमेंट किया है डीजे भाई भा, थैंक यू। बस लगता है आपका नाम नहीं है भाई, ये डीजे भाई भा आपका नाम नहीं है, मेरे को मालूम है ये आपका चैनल का नाम है, तो सही है। तो आप कहाँ से ये कमेंट लिख रहे हैं ये मुझे नहीं पता, तो इसके बाद जब कमेंट करोगे तो जगह का नाम ज़रूर लिख दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। तो थैंक यू। तो आप कमेंट किया है आपका जो सीडी इंजन है चालू किया तो बहुत स्पीड हो रहा है, इसका कारण क्या है, सही है ना? अच्छा, तो इसका कारण होता है, देखिए ये दो कारण में ये होता है क्या। पहले आपको नोजल को देखना होगा, नोजल का जो प्रेशर होता है वो थोड़ा हल्का बढ़ाओगे तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और नहीं होगा तो दूसरी जगह देखना होगा। इंजन का जो गवर्नर है वो गवर्नर साइड का काम करना होगा। गवर्नर साइड का काम कैसे करोगे, ये ऊपर में मैं लिंक दे दिया है, ये लिंक में टच करोगे तो मेरा जो वीडियो है वो आपके सामने आ जाएगा। तो ये वीडियो देख के आपका बहुत आसान हो जाएगा वो काम करने के लिए। तो आप बहुत अच्छा कमेंट किया है, थैंक यू। कमेंट करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। तो इसके बाद कमेंट किया है उमाकांत बाग, थैंक यू बॉस, आप बहुत अच्छा कमेंट किया है। तो आपका एक VST इंजन है, वो इंजन में पावर जो चोक है, पावर चोक में इंजन ऑयल निकल रहा है। तो आप जो कमेंट किया है, मुझे लगता है ये प्लांजर का जो बटन होता है वो बटन से मोबिल निकल रहा है। तो यही है, तो आपका करना क्या है, देखिए पहले देखना होगा जो आपका इंजन में गैस हो रहा है कि नहीं। जो गैस होगा आपका इंजन में गैस होगा तो ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगा, क्योंकि ये पावर जो चोक है तो ये एक लीकेज जगह है। तो इसका क्या करना होगा, देखिए आपका सिलेंडर पिस्टन जब वीक होगा तभी ये इसी जगह से ये मोबिल आता है। और दूसरी जगह है टाइमिंग कवर जो है टैंक के नीचे, टाइमिंग कवर जो है उसके ऊपर छोटा एक कवर है, उसके अंदर एक वाल्व रहता है, वो वाल्व जब ख़राब हो जाते हैं तो क्या होता है, वो इंजन का अंदर जो कंप्रेसर है, इंजन के अंदर जो कंप्रेसर है वो जहाँ जहाँ लीकेज मिलता है वहाँ निकालना शुरू हो जाते हैं साथ में मोबिल लेकर। तो आपका क्या करना होगा, देखिए टैंक के नीचे जो कवर है वो कवर खोलना होगा, 6 mm जो बोल्ट है, 4 bolt रहता है, वो 4 bolt खोलना होगा और कवर देखिए उड़ जाएगा ऊपर, और उसके अंदर रबर का एक वाल्व होता है, वो वाल्व को चेंज करना होगा तो ये प्रॉब्लम और नहीं आएगा। और तीसरी बात है आपका प्लांजर खोलना होगा, खोलने की बात देखिए जो वो चोक का जो सेफ्ट है वो सेफ्ट
आपका जगह सही है कि नहीं ये देखना होगा, और दूसरी बात वहाँ एक हल्का सा पतली सा एक वोरिंग रहता है, वो वोरिंग का चेंज कर देना होगा, तो ये प्रॉब्लम और नहीं आएगा। तो थैंक यू, आज बहुत बहुत अच्छा अच्छा कमेंट किया है आप लोगों ने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप वीडियो देखते रहिए, और कोई जानकारी चाहिए तो ज़रूर कमेंट करने ना भूलिए, और कमेंट करेंगे तो उसी साथ साथ आपका जगह का नाम ज़रूर बता दीजिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं जान पाऊँगा जो आप यहाँ से देख रही है मेरा वीडियो। थैंक यू।